गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है लिगेंड तथा लिगेंड्स का वर्गीकरण। लिगेंड जो है वो संकुल यौगिक में या संकुल आयन में समन्वय मंडल के अंदर केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से उपसंयोजक बंध द्वारा बंधे रहते हैं। अर्थात संकुल यौगिक में जो उदासीन या आयन और आयनों में धनायन या ऋणायन जो कि उपसंयोजक बंध द्वारा केंद्र धातु परमाणु या आयन से जुड़ते हैं उन्हें लिगेंड कहा जाता है। और लिगेंड उपसंयोजक बंध बनाने के लिए अपना लोन पेयर दान करते हैं, इसीलिए लिगेंड्स को संकुल यौगिक में लुईस क्षार कहा जाता है। जैसे K4FeCN6 में केंद्रीय धातु आयन फेरस आयन के साथ CN नेगेटिव ये जो आयन है ये उपसंयोजक बंध से बंधित है। इस आयन को वैसे अपने साइनाइड आयन कहते हैं लेकिन लिगेंड के रूप में इस आयन को यहां साइनो कहा जाएगा। इसी प्रकार TiH2O की होल 6-3 पॉजिटिव इस संकुल आयन में टाइटेनियम थर्ड आयन के साथ यहां H2O लिगेंड जुड़े हुए हैं जिसे यहां एक्वा कहा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, लिगेंड जो होते हैं वो किसी भी संकुल यौगिक में समन्वय मंडल के अंदर केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ जो लोन पेयर दान कर उपसंयोजक बंध से जुड़े रहते हैं उन्हीं अणुओं या आयनों को लिगेंड कहा जाता है। और ये जो लिगेंड होते हैं ये आवेश के आधार पर धनात्मक ऋणात्मक अथवा उदासीन भी हो सकते हैं और दाता परमाणु की संख्या के आधार पर एक दंतुक, द्विदंतुक, त्रिदंतुक, चतुर्दंतुक, पंचदंतुक और षटदंतुक भी हो सकते हैं। अर्थात अब अपने लिगेंड के वर्गीकरण पर विचार करते हैं। लिगेंड जो है उनका वर्गीकरण देखें तो लिगेंड्स का जो वर्गीकरण है उसे दो आधार पर किया जाता है। पहला वर्गीकरण है आवेश के आधार पर। इस आधार पर जो लिगेंड है वो तीन प्रकार में वर्गीकृत किए जाते हैं, धनात्मक लिगेंड में, ऋणात्मक लिगेंड में और तीसरे है उदासीन लिगेंड में। और दूसरा जो आधार है लिगेंड के वर्गीकरण का वो दाता परमाणु की संख्या के आधार पर है। तो पहले वर्गीकरण पर विचार करते हैं अपने जो है आवेश के आधार पर। आवेश के आधार पर लिगेंड तीन प्रकार के हैं, धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन। जिन लिगेंडों पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है उन्हें धनात्मक लिगेंड कहते हैं। उनके यहां तीन उदाहरण लिखूंगा स्टूडेंट में, NO पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, NH2, NH3 पॉजिटिव। इस लिगेंड को यहां नाइट्रोसोनियम या नाइट्रोसीनियम आयन कहा जाता है, नाइट्रोसोनियम या नाइट्रोसीलियम। इसी प्रकार NO2 पॉजिटिव इस लिगेंड को जो कि धनात्मक लिगेंड है इसे यहां नाइट्रोनियम या नाइट्रिटो N लिगेंड कहा जाता है। NH2 NH3 पॉजिटिव इस लिगेंड को यहां हाइड्रेजीनियम लिगेंड कहा जाता है। अब बात करते हैं ऋणात्मक लिगेंड की। जो ऋणात्मक लिगेंड है उन पर नेगेटिव चार्ज होगा। इनके उदाहरण है हेलो, जैसे F नेगेटिव, CN नेगेटिव, BR नेगेटिव, I नेगेटिव। हेलो जो समूह है वो ऋणात्मक लिगेंड की श्रेणी में आता है। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो या इस हेलो को हेलिडो भी कहते हैं, जैसे फ्लोरिडो, क्लोरिडो, ब्रोमिडो, आइडो। इसके अलावा OH नेगेटिव हाइड्रोक्सो, SO4 2 नेगेटिव सल्फेटो, CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेटो, NH2 नेगेटिव एमिडो, NH2 नेगेटिव ईमिडो, N3 नेगेटिव एजिडो,
C2O4 टू नेगेटिव, ऑक्सीलेटो O2 नेगेटिव, ऑक्सो O2 टू नेगेटिव, परोक्सो आदि, ये ऋणात्मक लिगेंड के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट उदासीन लिगेंड की। ऐसे लिगेंड जिन पर कोई भी चार्ज नहीं होता वो है उदासीन लिगेंड। उनके उदाहरण स्टूडेंट मैं यहां लिख रहा हूं H2O, H2O एक्वा, CO कार्बोनिल। यहां ध्यान देना स्टूडेंट CO में O बड़ा है, अगर CO में O छोटा होता है तो वो कोबाल्ट धातु तत्व है, परंतु ये यहां एक यौगिक है, एक सरल अणु है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे अपने लिगेंड के रूप में कार्बोनिल लिगेंड कहते हैं। इसके अलावा उदासीन लिगेंड में NH3 जिसे कि एमीन कहते हैं, ये भी ध्यान देना है स्टूडेंट, यहां इसे एमीन कहते हैं, अमोनिया नहीं कहेंगे। इसी प्रकार C6H6 ये है बेंजीन, C5H5N ये है पिरिडीन आदि, ये जो लिगेंड है ये उदासीन लिगेंड है। तो पहला वर्गीकरण आवेश के आधार पर था। अब बात करते हैं दूसरे वर्गीकरण की, जो वर्गीकरण है दाता परमाणु की संख्या के आधार पर। इस वर्गीकरण में सर्वप्रथम स्टूडेंट अपने को दाता परमाणु की परिभाषा को पढ़ना जरूरी है, तभी यह वर्गीकरण समझ में आएगा। तो दाता परमाणु स्टूडेंट, दाता परमाणु डोनर एटम लिगेंड में उपस्थित वह परमाणु होता है जो अपना लोन पेयर दान कर केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से उपसह संयोजक बंध बनाता है। जैसे इस एग्जाम्पल में Ti H2O की होल 6 3 पॉजिटिव में लिगेंड कौन सा है स्टूडेंट, H2O, H2O यानी एक्वा लिगेंड, और H2O में ऑक्सीजन परमाणु पर दो लोन पेयर होते हैं। तो यहां H2O लिगेंड में, एक्वा लिगेंड में दाता परमाणु कौन है स्टूडेंट, ऑक्सीजन, दाता परमाणु यहां कौन है, ऑक्सीजन है। इसी प्रकार NH3 ये जो एमीन लिगेंड है इसमें दाता परमाणु कौन होगा, नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन परमाणु पर ही यहां लोन पेयर दिखाई दे रहा है अपने को। इसी प्रकार C5H5N पिरिडीन, पिरिडीन में दाता परमाणु कौन है, नाइट्रोजन। इसी प्रकार जो CN नेगेटिव, ये साइनो लिगेंड में दाता परमाणु कौन है, कार्बन। और एक और उभयतंतुक लिगेंड का टाइप इसी का दूसरा NC नेगेटिव, इसमें दाता परमाणु स्टूडेंट नाइट्रोजन होता है, इस पर आगे अपने चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं दाता परमाणु की संख्या के आधार पर। दाता परमाणु की संख्या के आधार पर जो लिगेंड होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, दाता परमाणु की संख्या के आधार पर, दाता परमाणु की संख्या के आधार पर स्टूडेंट लिगेंड 6 प्रकार में वर्गीकृत किए गए हैं, जिसमें पहला प्रकार आता है एक दंतुर या एक दंतुक लिगेंड। जैसा कि नाम से स्पष्ट है ये ऐसे लिगेंड हैं जो संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ सिर्फ एक उपसह संयोजक बंध बनाते हैं, यानी ऐसे लिगेंड जो सिर्फ एक उपसह संयोजक बंध बनाते हैं उन लिगेंडों को एक दंतुक या एक दंतुर लिगेंड कहा जाता है। जैसे कि H2O, NH3, CO, NCS नेगेटिव, आइसोथायोसाइनेटो, SCN नेगेटिव, थायोसाइनेटो, CO कार्बोनिल, CS थायो कार्बोनिल, NO नाइट्रोसिल। ये स्टूडेंट ऐसे लिगेंड हैं जो एक दंतुक लिगेंड हैं। इसके अलावा F नेगेटिव फ्लोरो, CL नेगेटिव क्लोरो, BR नेगेटिव ब्रोमो, I नेगेटिव आइडो, ये सभी भी एक दंतुक लिगेंड की श्रेणी में है। अब बात करते हैं द्विदंतुक लिगेंड की, द्विदंतुक या द्विदंतुर लिगेंड। ये ऐसे लिगेंड होते हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ दो उपसह संयोजक बंध बनाते हैं, अर्थात
जो लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ दो उपसह संयोजक बंध से जुड़ता है उन्हें द्विदंतुक लिगेंड यानी बाइडेंटेट लिगेंड कहते हैं। इसके चार उदाहरण स्टूडेंट आपको यहां मैं बताऊंगा। पहला उदाहरण है CH2NH2CH2NH2 एथिलीन डाइएमीन का। ये जो ग्रुप है स्टूडेंट यहां ये एथिलीन और एमीन समूह इसमें दो है तो ये जो लिगेंड है इसका नाम है एथिलीन डाइएमीन या इसे एथेन 1,2 डाइएमीन भी लिखा जाता है और इसे संक्षेप में EN लिखते हैं क्योंकि इस लिगेंड में दो नाइट्रोजन परमाणु पर एक एक लोन पेयर दिखाई दे रहा है तो इसमें धातु परमाणु स्टूडेंट नाइट्रोजन है। इसी प्रकार ऑक्सीलेटो C2O4 2- जिसकी ये संरचना स्टूडेंट इसमें दोनों ऑक्सीजन ये परमाणु जो है जिन पर की ऋणावेश दिखाई दे रहा है ये दोनों परमाणु यहां दाता का कार्य करेंगे अर्थात ये भी एक द्विदंतुक लिगेंड है जिसे शॉर्ट में OX लिखा जाता है। इसका फॉर्मूला अपने लिखे C2O4 2- और इसे संक्षेप में OX लिखते हैं। इसके अलावा तीसरा जो उदाहरण है यहां वो है ग्लाइसीनेटो का NH2CH2C00-। स्टूडेंट इस उदाहरण में आपको NH2 ग्रुप में नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर दिखाई दे रहा है और इसी प्रकार ये जो C00- में इस ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है ये यहां दो जो एटम है एक तो O- और एक नाइट्रोजन जिस पर लोन पेयर ये दोनों यहां दाता परमाणु का कार्य करेंगे इसलिए ये लिगेंड भी द्विदंतुक लिगेंड की श्रेणी में आता है। इसके अलावा स्टूडेंट एक उदाहरण यहां मैं और बता रहा हूं आपको वो है डाइपिरिडिल या 2,2-डाइपिरिडिल। इसमें स्टूडेंट दोनों नाइट्रोजन जो है इन पर एक एक लोन पेयर है तो ये जो लिगेंड है ये भी यहां द्विदंतुर लिगेंड है इसका नाम 2,2-डाइपिरिडिल जिसे शॉर्ट में DIPI लिखते हैं। तो ये द्विदंतुक लिगेंड के बारे में था। अब अपनी बात करते हैं नेक्स्ट त्रिदंतुक लिगेंड के बारे में। स्टूडेंट मैंने आपको पहले बताया था कि दाता परमाणु की संख्या के आधार पर लिगेंड 6 प्रकार के होते हैं जिसमें एक दंतुक वो लिगेंड होते हैं जिनमें एक दाता परमाणु होता है, द्विदंतुक लिगेंड जिनमें की दो दाता परमाणु होते हैं अर्थात जो दो उपसह संयोजक बंध से बंधित होते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने त्रिदंतुक लिगेंड की। त्रिदंतुक या त्रिदंतुर लिगेंड ऐसे लिगेंड जिनमें कि तीन दाता परमाणु होते हैं अर्थात जो तीन उपसह संयोजक बंध से केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ जुड़ते हैं जैसे डाइएथिलीन ट्राइएमीन, स्टूडेंट ये है डाइएथिलीन ट्राइएमीन। तो यहां ये समूह एथिलीन तो एथिलीन समूह दो इसमें उपस्थित है और एमीन समूह 1, 2, 3 एमीन समूह उपस्थित है और तीनों एमीन में नाइट्रोजन परमाणु पर एक एक लोन पेयर। ये देखिए स्टूडेंट ये तीनों लोन पेयर जो है इनको मैंने गोल घेरे में बंद कर दिया है। ये तीन लोन पेयर वाले नाइट्रोजन परमाणु यहां पर दाता का कार्य करेंगे। इस लिगेंड का नाम है डाई एथिलीन ट्राइएमीन। तो ये यहां त्रिदंतुक लिगेंड का कार्य कर रहा है। इसके अलावा इसका एक उदाहरण और है स्टूडेंट इमिनो डाई एसिटेटो। इमिनो डाई एसिटेटो यहां स्टूडेंट ये एसिटेट ग्रुप है ये भी एसिटेट ग्रुप है और ये एमीन ग्रुप है और इसमें नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर इस इन दोनों ग्रुप में ये जो ऑक्सीजन जिन पर की ऋणावेश है ये यहां दाता परमाणु का कार्य कर रहे हैं। तो कुल दाता परमाणु इसमें तीन है ये दोनों ऋणावेश ऑक्सीजन परमाणु और ये नाइट्रोजन जिस पर की लोन पेयर है तो इसका नाम है इमिनो डाई एसीटेटो। इसमें भी तीन दाता परमाणु है तो ये जो दोनों उदाहरण है ये त्रिदंतुक लिगेंड के हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अपने चतुर्दंतुक
लीगेंड की, चतु तंतु का लीगेंड, अर्थात जिसमें कि चार धाता परमाणु होते हैं, अर्थात जो चार उपसंयोजक बंध से केंद्र धातु परमाणु या आयन के साथ जुड़ता है। इसका उदाहरण है ट्राई एथिलीन टेट्रा एमीन, ट्राई एथिलीन, ये तीन एथिलीन समूह, यहां मैं लिख रहा हूं पहले ट्राई एथिलीन और टेट्रा एमीन, यानी चार इनमें एमीन समूह जुड़े होते हैं स्टूडेंट। तो ये पहला एमीन समूह, ये दूसरा एमीन समूह, ये तीसरा और ये चौथा, और एथिलीन समूह इनमें एक दो तीन, ट्राई एथिलीन और एमीन ग्रुप कितने हैं चार, टेट्रा एमीन, और चारों एमीन जो ग्रुप है उनमें नाइट्रोजन पर एक एक लोन पेयर है, पहला ये दूसरा ये तीसरा और ये चौथा। तो इस लिगेंड में चार दाता परमाणु नाइट्रोजन है, तो ये चतुर्दंतुक लिगेंड का उदाहरण है। इसके अलावा एक अन्य उदाहरण है नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो, नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो। इस एग्जांपल में स्टूडेंट यहां एक दाता परमाणु नाइट्रोजन है और बाकी तीन दाता परमाणु वो ऑक्सीजन परमाणु जिन पर की ऋणावेश है। तो पहला दाता परमाणु नाइट्रोजन जिस पर लोन पेयर, और बाकी तीन दाता परमाणु ये जो ऑक्सीजन है जिन पर की ऋणावेश है। तो इसमें कुल चार दाता परमाणु है। इस लिगेंड का नाम है नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो, नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो। इसके बाद स्टूडेंट बात करते हैं अपने पंच दंतुक लीगेंड की, पंच दंतुक लीगेंड। इसका उदाहरण स्टूडेंट यहां पर आपको ये याद रखना है EDTA 3 नेगेटिव। अब इसकी संरचना क्या है और इसका नाम क्या है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। EDTA एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेट आयन, जिसे ट्राई एसीटेटो भी कहेंगे, एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेटो, ये लीगेंड जो है इसकी मैं संरचना बना रहा हूं एथिलीन डाई एमीन। तो पहला एमीन ग्रुप ये जोड़ दिया और दूसरा एमीन ग्रुप मैंने यहां ये जोड़ दिया, और ट्राई एसीटेटो यानी इसमें तीन एसीटेट ग्रुप जोड़ने हैं। तो एक तरफ दोनों हाइड्रोजन ये नाइट्रोजन की वैलेंसी को मैंने एसीटेट ग्रुप से बैलेंस कर दिया, और एक तरफ इधर हाइड्रोजन को हटाकर एसीटेट ग्रुप लगा दिया। तो ये एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेटो स्टूडेंट, इसमें ये एथिलीन समूह है और डाइएमीन ये दो एमीन समूह है इसमें, और ट्राई एसीटेटो एक एसीटेटो ये, दूसरा ये और तीसरा ये, ट्राई एसीटेटो एथिलीन डाई एमीन ट्राई एसीटेटो, ये जो लिगेंड है इसमें कुल पांच दाता परमाणु है, जिसमें तीन तो ये ऑक्सीजन ऋणावेशी दिख रहे हैं, एक ये दूसरा ये तीसरा ये, तीन तो ये दाता परमाणु का काम कर रहे हैं, और दो नाइट्रोजन जो है जिन पर की लोन पेयर, एक ये नाइट्रोजन और एक ये नाइट्रोजन, ये यहां दाता परमाणु का काम कर रहे हैं। तो कुल मिला के दाता परमाणु इसमें है पांच, इसलिए यह पंचदंतुक लिगेंड है। इसके बाद लास्ट बात करते हैं अपने षटदंतुक लिगेंड की, षटदंतुक यानी ऐसा लिगेंड जिसमें छह दाता परमाणु होते हैं, अर्थात जो केंद्र धातु परमाणु या आयन के साथ छह उपसंयोजक बंध बनाता है। उसका उदाहरण स्टूडेंट इसी में मैं यहां ले रहा हूं EDTA 4 नेगेटिव आयन का, यानी एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। इस एग्जाम्पल पहले वाले एग्जाम्पल में ट्राई एसीटेटो था, अब षटदंतुक लिगेंड के उदाहरण में टेट्रा एसीटेटो यानी टेट्रा एसीटेट आयन ये जोड़ने हैं। तो यहां से एक हाइड्रोजन को हटाकर नाइट्रोजन के साथ एक एसीटेट समूह और जोड़ दिया मैंने यहां। तो अब इस एग्जांपल में स्टूडेंट कुल दाता परमाणु कितने हो गए छह, और इसका नाम एथिलीन डायमीन ट्राई से अब क्या हो गया टेट्रा, टेट्रा एसीटेटो। तो इसमें कुल छह दाता परमाणु, चार ऑक्सीजन जिन पर ऋणावेश दिखाई दे रहा है, और दो ये नाइट्रोजन। तो स्टूडेंट ये लिगेंड का वर्गीकरण था।
तो स्टूडेंट मेरा आपसे निवेदन है, जिन स्टूडेंट ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे से आगे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो कक्षा 12 के विद्यार्थी इस लॉकडाउन की स्थिति में अपने घर में बैठे असमंजस की स्थिति में है, उनको कक्षा 12 के सिलेबस के रहते कोई परेशानी ना हो। धन्यवाद।